एक वो समय था जब हमारे सफाई कर्मचारी काम पे निकलते थे तब उनके परिवार वालों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती थी, पर आज स्वच्छ भारत अभियान के महानायक बन उन्होंने एक नए दौर की शुरुआत की है, जिसके उपरांत उन्हें सफाई मित्र के नाम से पहचान मिली है। हमारे स्वच्छता कर्मी, हमारे सफाई मित्र सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक है। मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नेशनल एक्शन प्लान के तहत गत वर्ष 19 नवंबर 2020 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी निकायों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का आह्वान किया गया, जिसका उद्देश्य था 246 शहरों को शामिल कर शहरों को एक प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्रेरित कर ज्यादा से ज्यादा मशीनीकरण, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, प्रशिक्षण एवं इसके प्रति जागरूकता। चैलेंज के अंतर्गत मुख्य कार्य थे हर कार्यरत सफाई मित्र की पहचान, सफाई के आधुनिक उपकरण मुहैया करा, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें यूनिफॉर्म, पीपीई किट एवं सेफ्टी गियर्स से लैस करना, सफाई मित्रों को लोन दे उन्हें स्वव्यवसाय के लिए प्रेरित करना, शहरों में रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी और सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट का गठन, 1420 हेल्पलाइन नंबर पर सूचित कर गटर में अवैध मानव प्रवेश को रोकना तथा इसी नंबर पर नागरिकों को सेप्टिक टैंक की सफाई की सुविधा उपलब्ध कराना। नागरिक जागरूकता एवं प्रतिभागिता के लिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का विस्तृत प्रचार IEC के माध्यम से किया गया। स्वच्छ भारत अभियान 2.0 प्रमोशन के उपरांत मंत्रालय ने 2 और 3 अक्टूबर 2021 को लगभग 9 लाख फ्रंटलाइन स्वच्छता कर्मियों को मात्र 48 घंटों के अंतराल में सम्मानित किया। पहले दौर पे हमको गटर साफ करने वाले कहते थे, आज हमको उसी समाज से हमको इतनी इज्जत मिली है कि आज हमको देख के पब्लिक सैल्यूट करते हैं हमारे लिए। इन्हीं प्रयासों ने मैन होल टू मशीन होल ट्रांसफॉर्मेशन को संभव किया है, जिसकी वजह से आज इन सफाई मित्रों के परिवार उन्हें निश्चिंत काम पर भेजते हैं, क्योंकि वो देखते हैं उनके चेहरों पर एक राहत की मुस्कान और आत्मविश्वास की रोशनी।